गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो गए हैं। ये देखिए गुड़िया भी रेडी हो गई है, हम लोगों का गिराई सारा बैग सब रेडी हो चुका है। अब हम लोग आधा घंटे में निकलेंगे। बोलो गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग बोलो। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है। हम लोग 3:30 बजे से जगे हुए हैं और घर का सब काम समेटते समेटते इतना लेट हो गया है। और जो हम लोगों का बस है वो 5:30 बजे है। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। फर्स्ट बार हम लोग चारों फैमिली एक साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और कहाँ जा रहे हैं तो आप लोग फुल ब्लॉग देखेंगे तभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ये देखिए, ये मेरा साइड पर्स है, ये एक बैग हो गया, ये बैग है, वो बैग है, बेटा का बैग वो अपने रूम में रखा है, ये इनका निकाल के रख दिए हैं। और मैं सारा अपना इधर का काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, सभी बंद करके रख चुकी हूँ। वो प्लग निकला हुआ है। ये देखिए गुड़िया का लोग कैसी लग रही है, गुड़िया गुड़िया रानी। और चाय मैं बैठा दी हूँ, चाय हो भी गया है। हम लोग सिर्फ चाय पी के ही निकलने वाले हैं, सब कुछ मेरा काम शेष है। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली जा रहे हैं दीघा, ओल्ड दीघा जा रहे हैं। वहाँ से फिर घूमने चले जाएंगे न्यू दीघा। तो हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, कांचरापाड़ा बस स्टैंड। रोड पूरा खाली खाली है, सुबह का ये नज़ारा है। आ गई हूँ मैं बस स्टैंड, हम लोग चारों जन जा रहे हैं। ये कांचरापाड़ा का बस स्टैंड है और मैं एसी बस से जा रही हूँ और ये मेरा बस आ चुका है। तो ये बस का एक आदमी का किराया पड़ा है 600 टका, सिर्फ आने का और 600 टका जाने का। तो ये बस हम लोगों का आ गया है और हम लोग बस में चढ़ चुके हैं। ये देखिए बस का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों का कब 3 से 4 घंटा कट गया पता भी नहीं चला। और हम लोगों का बस 6 बजे खुला था मॉर्निंग में और 11 बजे हम लोग दीघा पहुंच भी गए थे। और इसमें वो लोग मूवी लगा दिया था तो हम लोगों का टाइम ऐसे भी पास हो गया है। और हम लोग पहुँच गए हैं दीघा। तो यहाँ से मात्र 5 मिनट का रास्ता है दीघा बीच का, लेकिन अभी हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अपने होटल, जहाँ हम लोगों का होटल बुक है। और मैं होटल भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना सस्ता में हम लोगों को होटल पड़ा है, वो भी एसी रूम, टीवी भी है, वाईफाई भी है। तो बेटा बेटी पहले ही वहाँ पहुँच गया है, हम और ये पीछे से जा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ से 10 मिनट लगता है होटल का और बस स्टैंड से 5 मिनट लगता है बीच जाने का समुद्र। तो ये मैं आ गई हूँ, हम लोगों का सेकेंड फ्लोर पे है रूम नंबर 305 और ये है होटल का नाम है केमेस्टिका, ठीक है। और ये हम लोगों को पड़ा है 1100 रुपया पर डे। तो हम लोग 4 दिन स्टे यहाँ पे किए हैं और मैं रूम आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छा से। ये 305 हम लोगों का रूम है, एक बड़ा बेड है और एक सिंगल बेड है और ऐसा कुछ रूम है। इधर टीवी लगा हुआ है, यहाँ ये और ठीक है, बोतल ग्लास जग वगैरह रखा हुआ। एसी कहाँ, एसी क्यों चालू कर दिया, ठंडा लग रहा है। एसी मैंने स्टार्ट किया हूँ, वहाँ एसी है। और ये छोटा सा किचन टाइप का ही है, वो छोटा सा किचन टाइप का है। और ये बाथरूम है, यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है, एक चेयर दिया हुआ है यहाँ पे। इधर देखते हैं, ये बालकनी है, बहुत छोटा सा बालकनी है पर ठीक है। यहाँ से तो समुद्र दिख नहीं रहा है पर बहुत गंदा है, पूरा ही गंदा, पैर में गंदा सब लग रहा है। तो ऐसा है हमारा कुछ रूम। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं समुद्र देखने।
ऐसे तो दोपहर में भी आए थे हम लोग, खाना खा पी के सो गए। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं समुद्र। देखिए कितना भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है। बस स्टैंड से पैदल ही आ जाते हैं, चलने से ऑटो नहीं करना पड़ता है। इधर बहुत सारे शॉप है, इस साइड में बहुत सारे दुकान है। ये है ओल्ड दीघा, हम लोग न्यू दीघा में नहीं रुके, हम लोग ओल्ड दीघा में रुके। इधर पूरा सा मार्केट है, दोनों साइड में मार्केट, दोपहर के टाइम में सभी बंद था। अब बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तो शाम हो गया, इवनिंग आ गया। ओए गुड़िया मत जावागे। मैं भी जा रही हूँ बैठने के लिए। बाबा इतना अच्छे से सिखाया हूँ, बड़ा ही मस्त लग रहा है ये नज़ारा देखने में फ्रेंड्स। ये पानी का है ना, ये हमारे फेस के ऊपर में पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स ये शाम 6 बजे का नज़ारा है, अब बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ आकर बैठने में। हम लोग 9 बजे 9:30 बजे तक यहाँ पे बैठे थे, उसके बाद फिर घर चले गए थे। कहाँ जा रही है तुम? और मैं यहाँ पे रियल आवाज़ को म्यूट नहीं की हूँ क्योंकि इसका मेन साउंड ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग यहाँ पे रात में आके बीच के पास बैठते हैं, मज़ा लेते हैं, कुछ सेल्फी लेते हैं। अंधेरा बहुत हो गया था तो अच्छा क्लियर नहीं आ रहा था व्यू, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं की हूँ। बस हम लोग यहाँ पे मेन इसी के लिए आए थे कि हम लोगों को समुद्र के किनारे रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, टाइम बिताना है। और 4 दिन कैसे हम लोगों का बीत गया पता भी नहीं चला। और ये पानी का आवाज़, समुद्र का आवाज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये इतना, मैं ज़िंदगी में फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों लोग के लिए इतना सारा राइड रखा हुआ था, और घोड़ा भी यहाँ पे था, घोड़े का भी राइड हो रहा था। तो ये तो आज हम लोगों का फर्स्ट नाइट है, मतलब हम लोगों को 4 दिन स्टे करना है। ये पहला दिन है, दोपहर का हम लोगों को मौका नहीं मिला, खाना खा पी के हम लोग रेस्ट किए, उसके बाद इवनिंग में यहाँ पे आए हैं। सब ऐसे ही किनारे में लोग बैठे हुए थे और अच्छा लग रहा था। देखिए बच्चे लोग कैसे घूम रहे हैं रिमोट वाला गाड़ी से, और मतलब रोड के एक साइड में लोग बैठे हुए हैं और दूसरे साइड में पूरा दुकान लगा हुआ है। जितना सिर्फ कहीं यहाँ सामान ज़्यादा मिल रहा था, खाने पीने का सामान था, घोड़े का राइडिंग था। हम लोग ओल्ड दीघा में रुके हैं और ओल्ड दीघा में समुद्र बहुत पास में है, और दुकान, बस स्टैंड जो भी कहें सब कुछ पासापासी में है। इसलिए हस्बैंड जी बोले कि चलिए हम लोग ओल्ड दीघा में स्टे करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये शंख का दुकान है, और जितना भी है यहाँ सब, मतलब सीप का, शंख का, यही सब का ज़्यादा यहाँ पे है। और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब नज़ारा देखने में।
तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी, बेटी भी बहुत इंजॉय कर रही थी, बेटा भी, मतलब हम लोग चारों फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं सभी घुमा घुमा के दिखा रही थी। फिर मैं मॉर्निंग में भी आने वाली हूँ यहाँ पर, तो मॉर्निंग का सनराइज देखने वाली हूँ। और ये यहाँ पे मोमोज खा रही है, तो मैं इसका वीडियो शूट कर ली थी। और ये देखिए मेरे पीछे साइड कितना सारा दुकान लगा हुआ है। बेटा भी पापड़ी चाट खा रहा था, वो भी उधर चाय पी रहे थे, मैं कॉफ़ी पी चुकी थी। फ्रेंड्स, आप लोग भी बहुत कम बजट में सी बीच का आनंद ले सकते हैं। तो हम लोग आए हैं बस से, तो बस से हम लोगों को 3 से 4 घंटा लगा। और आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं, तो ट्रेन हावड़ा से दीघा, दीघा से हावड़ा कंटिन्यू चलते रहता है। और हावड़ा से सुबह 6 बजे खुलता है, 10 बजे पहुंच जाता है। हम लोग बस से आए हैं क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, तो इसलिए एसी बस से आए हैं, एसी रूम में ठहरे हैं। और ये ठंडा के दिन में और ज़्यादा आनंद आता है। मैं बेटी का वीडियो शूट कर ले रही हूँ, सेल्फी वगैरह तो यहाँ पर होते ही रहता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का मेरा ब्लॉग भी शेष होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट मॉर्निंग यहीं दीघा का मॉर्निंग होगा। तो आप लोगों को कैसा ब्लॉग लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ आज का मेरा ब्लॉग भी शेष होता है। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।